जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज हम बात करने वाले हैं, देखिए आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एएसआई स्टेनो की वैकेंसी आई हुई थी, उसी से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि काफी बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका एग्जाम कब होने वाला है। लगभग सभी का आपका फिजिकल का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि भाई आपका जो रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा। देखिए आईटीबीपी में इस टाइम पे बम्पर भर्ती चल रही है, चाहे आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की बात कर लें, चाहे आप ट्रेड्समैन की बात कर लें, मोटर मैकेनिक की बात कर लें, रेडियो ऑपरेटर, मतलब बहुत सारी वैकेंसी, कम से कम 15 से 17 वैकेंसी आपकी चल रही है। और ये डिसाइड करना कि कब क्या हो वो होचपोच हो रखा है। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं बताऊंगा कि चक्षु पब्लिकेशन की बेहतरीन बुक मार्केट में आ गई है। अगर आप आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एएसआई स्टेनो की तैयारी करते हैं तो अच्छी बुक है, इसमें वो सब कुछ मटेरियल आपको मिल जाएगा जो आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का और एएसआई स्टेनो का एग्जाम को पास करने के लिए जरूरी है। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं कि आपका अब रिटर्न एग्जाम कब होने वाला है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाला। तो जैसा कि मैंने बताया कि 15 से 16 जो एग्जाम है आपके लगातार कंटिन्यू चलने वाले हैं, और अभी मई और जून तो खत्म हो गया है, जून में आपका कोई भी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के बारे में कुछ ही नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन आपको ये तैयार रखना है कि जैसे ही जून उतरता है और जुलाई स्टार्ट होता है, तो जुलाई में आपके एग्जाम होने का, रिटर्न एग्जाम होने का जरूरी है। क्योंकि वो जो फोकस चल रहा है ना, जो डिले हो रहा है, ये हो रहा है कि आईटीबीपी अपना पूरा जो फोकस है कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे ऑनलाइन एग्जाम कराने के चक्कर में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाला। तो उसी से रिलेटेड कुछ अपडेट चल रही है, लेकिन अगर उनका सब कुछ सेटअप नहीं बैठता है तो ये एग्जाम जो है आपका ऑफलाइन भी करा दिया जाएगा। लेकिन आपको मैं क्लियर करा दूं, मई तो निकल गई, मई में कोई दिक्कत नहीं है, जून में आपका एग्जाम नहीं होने वाला, तो जुलाई में आपका एग्जाम होने की दरकार है। लेकिन ये भी डिपेंड करेगा कि वो प्रायोरिटी किसको रखते हैं, एएसआई स्टेनो को रखते हैं, मैं मैकेनिक वाले को लगते हैं, या दूसरी जितने भी एग्जाम चल रहे हैं उनके पहले चल रहे हैं, किसको प्रेफर देते हैं। ये नहीं है कि भाई आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाला पहले जुलाई में स्टार्ट कर देंगे, वो उनकी प्रेफरेंस पे ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग जो है एग्जाम होने की या जो वेन्यू वो स्टार्ट करने की, जुलाई से आपका स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको जगना होगा, उठना होगा, क्योंकि अगर आप सोते रहे तो भाई सोते को तो 2 महीने 4 महीने 10 महीने सोते रहिए, आपके लिए रात ही रात होगी। लेकिन जब तक आप जगेंगे नहीं, आप अपनी स्टडी नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में किसी भी सीआरपी में चले जाइए, आईटीबी में चले जाइए, एसएसबी में चले जाइए, सीआईएसएफ में चले जाइए, बीएसएफ में चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, कंपटीशन सबसे ज्यादा जो मिलेगा हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाली पोस्ट के लिए मिलेगा, क्योंकि वो एक नंबर की पोस्ट है और बिना पढ़े लिखे तो ये पोस्ट आपको मिलने से रही। क्योंकि अच्छी खासी आप सैलरी लेते हैं, अच्छी खासी आपको फैमिली रिकमेंडेशन मिल जाता है, रहने के लिए सुविधाएं भी अच्छी मिलती हैं, और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर डायरेक्ट जाते हैं, तो कांस्टेबल से आप 10 साल तो ऐसे ही 15 साल 20 साल तक आप आगे निकल जाते हैं। तो एग्जाम से रिलेटेड जो मेरे पास जानकारी आ रही थी कि आपका अभी एग्जाम दूर दूर तक कुछ नहीं पता है उनको भी कि कब कराना है, क्योंकि इस पे अभी चर्चा ही नहीं चल रही है। तो 1-2 महीने आपके पास अभी अवेलेबल है, तैयारी उसी तरह से करना स्टार्ट कर दीजिएगा, जिससे कि आप जो आपका गोल है, गोल एक वो बना लीजिएगा अपना रूटीन वर्क कि मुझे सुबह को कितने बजे पढ़ना है। अगर आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्टर ही पाना है तो आईटीबीपी में, तो उसी तरह से रखना पड़ेगा। अगर आपका कम्युनिकेशन वाला है तो कम्युनिकेशन में जाना है, तो रिएक्टिव मैकेनिक में, ऑपरेटर में, जिस जहां भी आपका एक गोल बना लीजिएगा, उसी हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को मैनेज करिएगा। चारों तरफ हाथ पैर मारेंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। तो 2 से 3 महीने अभी आपके पास है, उसी तरह से पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन में अभी डिस्कशन चल रहा है, देखते हैं कि होप फॉर द बेस्ट कि आपका क्या एग्जाम किस तरह से वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। कोई अपडेट आती है मैं आपको कंफर्म कराने की कोशिश करूंगा। प्रीवियस वाले पे मत जाइएगा कि प्रीवियस में एक साल एक महीने में ये करा दिया, 2 महीने में ये करा दिया, कुछ नहीं है। उनकी न्यू रिक्रूटमेंट है, उसी हिसाब से वो सोच रहे हैं, किस हिसाब से सोच रहे हैं, उनके पास संसाधन कितना है, बजट कितना है, दूसरी तरह की मैन पावर कितनी है, उसी हिसाब से इस वैकेंसी से प्रीवियस वैकेंसी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक यही था, कोई अपडेट आती है तो मैं आपको कंफर्म कराने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो।